अहुना मटन या हांडी मीट जो कि बहुत ही आ, देसी स्टाइल की कुकिंग है आज भी मिट्टी की हांडी पे और आ, अंगारों पे बनाई जाती है ये बिल्कुल स्लो कुकिंग होती है ये और इसमें मीट को मैरिनेट किया जाता है और हांडी में पकाया जाता है कुछ सीक्रेट मसालों के साथ तो सीक्रेट मसाले आपको कोई भी नहीं बताएगा मैं बताने जा रही हूँ और साथ में हम इसको बनाना देखेंगे तो सबसे पहले अहुना मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चार ग्राम प्याज ले ली है और जिसको किया है कद्दूकस और उसकी दूसरी प्रिपरेशन ये है कि हम लेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल दो बड़े चम्मच और उसको इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं निकलने लगे तेल गर्म हो गया है गैस को बंद करेंगे और अब तेल को ठंडा हो जाने देंगे इसके बाद लेंगे एक मिट्टी की हांडी ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है अगर नहीं है तो फिर आप किसी घर के बर्तन में बना सकते हैं आ, पर कोशिश करिएगा कि हांडी लें और यहाँ पर लिया है मैंने आधा किलो मटन तो इसको धो करके ले लिया है छितने से और ये है अदरक लहसुन कुचला हुआ मतलब मोटा मोटा थोड़ा सा दरदरा कुचल लिया है इसको और ये वही प्याज़ है जो भी हमने ग्रेट की थी यानी कद्दूकस की थी इसको डाल देंगे और इसमें डालेंगे हरी मिर्च तो अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लें और ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी लहसुन यानी कि लहसुन की पोथियाँ पूरी पूरी डाली जाती हैं और इसी इसमें इतना बढ़िया है, जब ये पक जाता है इतना अच्छा टेस्ट आता है कि लोग इसके पीछे लड़ाइयाँ होती हैं कि मुझे लहसुन खाना है और ये गई हल्दी एक चम्मच और ये गया कश्मीरी लाल मिर्च एक चम्मच और ये है हमारे सीक्रेट मसाले तो सीक्रेट मसाले भी आप कहेंगे बताया तो है नहीं मैं बिल्कुल बताऊंगी पहले आप प्रोसेस देख लीजिए उसके बाद हम दिखाते हैं आपको आ, सीक्रेट मसाले बनाना इसको डाल देंगे इससे बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट आएगा और बाज़ार में आजकल चंपारण मटन के नाम पे मसाले मिलते हैं आ, और ये है नमक तो टेस्ट के हिसाब से डालें मैंने डाला है डेढ़ चम्मच नमक और ये तेल जो कि गरम कर लिया था हमने और उसको ठंडा कर लिया था तो तेल ठंडा करके डालेंगे गरम गरम नहीं डालेंगे तेल के साथ जाएगा इसमें घी तो देसी घी जाएगा इसमें तो एक बड़ा चम्मच देसी घी है ये सारी चीजें पड़ चुकी हैं अब हमें इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स और तो अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बढ़िया चीज़ें बनी हैं और जब ये स्लोली धीरे धीरे आँच पे घंटों पकेगा और मिट्टी के हांडी में पकेगा तो कितनी सौंधी रेसिपी होगी ये तो इसको मैरिनेट कर लेंगे ढाँक करके एक घंटे के लिए ऐसे छोड़ देते हैं और अब एक घंटा हो गया है तो अब हांडी के मुंह को हम आटे की मदद से ऐसे सील कर देंगे तो ये सील करने से बहुत बढ़िया प्रेशर बनता है इसमें बिल्कुल प्रेशर कुकर का, का काम करता है और जब धीमे धीमे आंच पे पकता है तो इसमें बहुत अच्छी तरह से मटन गल जाता है तो अब गैस लेंगे क्योंकि यहाँ पे मैं बना रही हूँ शहरों के हिसाब से कि जब लोग जो लोग सिटीज़ में रहते हैं वो अंगारों का इंजाम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो गैस को क्या करेंगे बिल्कुल बर्नर उसका धीमा रखेंगे जो बिल्कुल जो छोटा वाला बर्नर होता है ना उसमें आप रखिए बिल्कुल धीमी आँच पे रखिए और इसको पकाने में टाइम लगेगा आपको पैंतालीस मिनट से साठ मिनट तक का यानी कि पौन घंटे से एक घंटे तक का टाइम लग सकता है और कई बार डिपेंड करता है मटन की क्वालिटी पर तो मटन अगर मतलब कई बार काफ़ी टाइट वाला होता है तो उसको गलने में टाइम लगता है अच्छा इसमें जब ये पक रहा होगा उसमें एक चीज़ और करनी होगी जो मैं आपको दिखाना भूल गई हूँ तो कपड़े की मदद से हांडी को पकड़ें और इसको अच्छी तरह से हिला दें ताकि सारे मसाले ऊपर नीचे हो जाएंगे और इस तरह से बढ़िया से पकेगा तो चलिए अब देख लेते हैं सीक्रेट मसाले तो यहाँ पर है एक डेढ़ चम्मच धनिया एक चम्मच ज़ीरा काली मिर्चें बीस पच्चीस दो बड़ी इलायची और चार पाँच लाल सूखी मिर्चें और एक इंच दालचीनी का टुकड़ा और ये है हरी इलायची यानी कि सात आठ होंगी और ये है चार पांच हमारी लौंगे तो इन सबको हमें करना है हल्का सा रोस्ट ये गई काली मिर्च दालचीनी लाल मिर्च और लौंगे ये छोटी इलायची और धनिया ज़ीरा इन सबको हम थोड़ा भूनेंगे एक मिनट तक करीब बस हल्की सी खुशबू आने लगेगी फिर उसके बाद इसको बंद कर देंगे मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है नहीं तो ये जल जाएंगे और फिर बढ़िया टेस्ट नहीं देंगे और यही हमारे सीक्रेट मसाले हैं जो जिनके पड़ते ही ओना मटन में बिल्कुल ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है और बस ये मसाले रोस्ट हो चुके हैं ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद इनको हम सूखा पीस लेंगे पाउडर बना लेंगे इसका तो मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे और बंद करेंगे और ये देखिए पाउडर तैयार है तो बस अब यह हांडी मटन भी पक चुका है आ, पका ए, एक घंटा पका है ये अब इसको हिला देते हैं तो चलिए अब इसकी बारी है खोलने की तो ये देखिए इसको मैं खोलती हूँ इस तरह से सील चाकू की मदद से खोलें तो इसको मैंने ठंडा हो जाने दिया था फिर खोला है मतलब आप सोचेंगे कि इतनी गर्म हांडी कैसे पकड़ ली तो इसको गैस को बंद करने के बाद ठंडा हो जाने दिया फिर खोला ये देखिए तो ये हमारा अहुना मटन तैयार है बिल्कुल देसी स्टाइल कुकिंग देसी स्टाइल में बना हुआ हांडी में हांडी की सोंधी सोंधी खुशबू के साथ मटन पूरी तरह से गल चुका है और इस लहसुन ने सारे टेस्ट को सारे मसालों को एब्जॉर्ब कर लिया है और बहुत ही टेस्टी बन चुका है तो अगर आपको ये देसी स्टाइल कुकिंग पसंद है और आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इंडिया में तो ये बहुत फेमस है पर अब हमारा काम है इसको वर्ल्ड फ़ेमस बनाना अपनी रेसिपी को सारी दुनिया में मशहूर कराना तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और समस्त किचन देखते रहिए कीप वॉचिंग समस्त किचन थैंक यू